हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी लाइफ और मैं हूँ वर्षा। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छे जाने माने, आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे स्कॉलर रह चुके हैं, जिनके बारे में मैं बात करने जा रही हूँ। आज मैं बात करूंगी राजीव दीक्षित जी के बारे में, जो कि एक बहुत अच्छे स्कॉलर रह चुके हैं और जिन्होंने हमेशा अपनी लाइफ में हम लोगों को जितना भी ज्ञान दिया वो आयुर्वेद से रिलेटेड दिया। वो हमेशा घरेलू नुस्खों को और आयुर्वेद से रिलेटेड चीजों को ही हमें ज्ञान दिया करते थे। तो उन्हीं की एक रेमेडी, बालों को हम काला कैसे रखें, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि बालों को हम आंवले से कैसे काला रख सकते हैं। ये बेस्ट है, आंवले के तेल से आप बहुत अच्छी तरह से बालों को काला रख सकते हैं। मैं रेगुलर यूज करती हूँ, आप देखिए मेरे बालों में कितना अच्छा गहरा काला रंग है। लेकिन ये तो बात हुई कि हमने ऊपर ऊपर से आंवले का तेल लगाया, लेकिन क्यों नहीं कि हम अगर आंवले को खाएं, कंज्यूम करें, तो उससे भी हमारी इंटरनल बॉडी में जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ब्लड में जब मेलानिन का लेवल कम हो जाता है तो हमारे बाल वाइट होने लग जाते हैं, हमारी आंखों की रोशनी थोड़ी सी हल्की पड़नी शुरू हो जाती है, चश्मा लग जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें अगर अपने ब्लड में मेलानिन को हम इंक्रीज कर ले तो हमारी ये जितनी भी बेसिक प्रॉब्लम्स है ये सब सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अब बात ये आती है कि मेलानिन को ब्लड में इंक्रीज कैसे किया जाए। बहुत ही बेसिक चीज है, सबसे बेस्ट इसका जो सोर्स है वो है आंवला। अब आंवला को अगर आप कच्चा खा लें तो वो तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन आंवला हम कच्चा खा नहीं पाते क्योंकि वो थोड़ा सा खट्टा टाइप उसका टेस्ट होता है, आप कह सकते हैं थोड़ा कसैला टेस्ट होता है, इसलिए हम उसे खा नहीं पाते। तो ऐसा क्या करें? और बच्चों को तो हमें स्टार्टिंग से रेगुलर ही उनको ये चीज देनी चाहिए, लेकिन हम नहीं दे सकते क्योंकि वो खाना ही पसंद नहीं करते। तो ऐसे में मैं आपके साथ एक आज रेमेडी शेयर करूंगी। आप घर में आंवला का जूस बना, बहुत ही इजी है, एक कंसंट्रेटेड फॉर्मूले की तरह ये बन जाएगा और आप इसको सर्दियों में जो बढ़िया से इतने बड़े बड़े आंवला आते हैं आप उससे ये जूस बना के रख लें और गर्मियों तक आप इसको चला सकते हैं, ये खराब नहीं होता, आप इजीली इसको स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मेरी किचन में और बनाते हैं एक बहुत ही बेनिफिशियल होम रेमेडी। चलिए बनाना शुरू करते हैं आंवला का जूस। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही इंस्टेंट और लंबे समय तक आप स्टोर भी कर सकते हैं। ये मैंने लिए हैं 150 ग्राम के करीब आंवला है और जिनको इस तरीके से इनके पीसेस अलग हो जाते हैं मैंने इनके अलग कर लिए हैं और धो के बहुत अच्छे से सुखा लिया है। पानी हमें बिल्कुल नहीं चाहिए इसमें क्योंकि हमें कंसंट्रेटेड फॉर्मूला बना के तैयार करके रखने वाले हैं, इसलिए हमें पानी बिल्कुल इसमें नहीं चाहिए। और अब इन सबको मैं इसमें ग्राइंडर जार में ग्राइंड कर लेती हूँ। आंवला इस तरह से अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। आपको थोड़ा इसको स्टार्टिंग में जग दे के ग्राइंड करना पड़ेगा क्योंकि आंवला हार्ड होता है, एक ही बार में ग्राइंड नहीं होता इजीली। तो इसको ग्राइंड करने के बाद ये मैंने एक खाली बोल ले लिया है और इस बोल में अब मैं एक ये साफ बिल्कुल क्लीन कपड़ा बिछाती हूँ और इसमें अब हम ये आंवला को डालेंगे। पूरी तरह से आंवला को इसमें डालने के बाद हम इसको स्क्वीज करेंगे, जितना अच्छे से हो सकता है हमें इसका जूस निकालना है। आप अगर चाहें तो स्ट्रेनर में भी निकाल सकते हैं बट स्ट्रेनर में इतने अच्छे से नहीं निकलेगा। ये देखिए आंवला में कितना अच्छा जूस होता है, फटाफट से निकल आ रहा है। बस जितना आप इसको स्क्वीज कर सकते हैं, देखिए बहुत अच्छे से जूस निकल चुका है और ये जो बिल्कुल इसके ये पार्टिकल्स है आप इसे डिस्कार्ड कर सकते हैं क्योंकि अब इसमें कुछ भी न्यूट्रिशन वैल्यूज नहीं बची है। अब इस जूस को हम लोग पकाएंगे। जूस निकालने के बाद आपको उसको मेजर जरूर करना पड़ेगा और ये मेजरिंग कप के हिसाब से हाफ कप है या फिर आप कह सकते हैं कि एक छोटा कप जूस निकला है और इसका जस्ट डबल हमें चीनी लेनी है, इसलिए मेजरिंग करना इसको जरूरी है। और इसका जस्ट डबल ये 1 कप है, पूरी 1 कप भर के इसमें चीनी डलेगी। आधे कप में मैं 1 कप चीनी डाल रही हूं, जस्ट जूस का डबल। और इसे लगातार चलाते हुए हम पकाएंगे। चीनी को नीचे लगने नहीं देना है और हमें कोई चाशनी नहीं बनानी है, जस्ट चीनी को हमें मेल्ट करना है। चीनी मेल्ट हो चुकी है, हमें बहुत ज्यादा इसको नहीं पकाना है और ये भी बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है चीनी के साथ। बस अब मैं फ्लेम बंद कर देती हूँ। अब इसमें ऐड करते हैं 1 चम्मच नमक, आधी चम्मच काला नमक और आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर।
अब इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं रूम टेम्परेचर पे आने तक के। ये बिल्कुल पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। ठंडा होने के बाद अब इस पे मैं लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। मैंने जूस को छाना नहीं है क्योंकि मैं इस पूरे कंसेंट्रेटेड फॉर्मूला को लेमन जूस ऐड करने के बाद स्ट्रेन करूंगी, क्योंकि लेमन जूस में भी फिर थोड़े से पार्टिकल्स होंगे। और ध्यान रखिएगा, लेमन जूस आपको बिल्कुल इसको ठंडा करके ही डालना है। मैंने 3 नींबू का रस लिया है, अच्छे से मिक्स कर लिया है। बस अब इसको स्ट्रेन कर लेते हैं। तो इस तरह से आप सूप स्ट्रेनर की हेल्प से इसको छान सकते हैं, सारे इसके एक्स्ट्रा पार्टिकल्स निकल आएंगे, ये देखिए। और ये बिल्कुल फ्रेश कंसेंट्रेटेड फॉर्मूला बनकर बिल्कुल तैयार है आंवला जूस का। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको सर्व कैसे करना है। ये मैंने एक ग्लास ले लिया है और इसमें 1 से 1.5 कड़छी आप ये जूस ऐड कीजिए और इसमें बाकी पानी ऐड कर दीजिए। गर्मियों में आप इसमें आइस भी ऐड कर सकते हैं, फ्लेवर बहुत ऑसम हो जाता है। एक ऐसा बढ़िया जूस जिसे आपने अपने आप घर में बनाया है, जो कि बिल्कुल फ्रेश एंड प्योर है, और आपको पता है आपने इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं। कुछ भी आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है, कुछ भी नहीं है, और ना सिर्फ बालों के लिए बल्कि हमारी पूरी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। गर्मी सर्दी आप इसे बना के पी सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। जो कंसेंट्रेटेड फॉर्मूला बना है आप उसको बॉटल में फिल करिए और भरकर रख दीजिए, जब आपका मन हो फ्रिज से निकालिए और इस तरह से जूस पी लीजिए। बढ़िया मजेदार हेल्दी चीज। कैसा लगा आपको आज का मेरा ये आंवला जूस का वीडियो? आई होप पसंद आया होगा। ना सिर्फ हमारे बालों के लिए, हमारी पूरी हेल्थ के लिए कि आंवला जूस बहुत इफेक्टिव है। तो इसको बनाइए, इसे ट्राई कीजिए और अपने बच्चों को इसको जरूर। तो चलिए, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलूंगी किसी और बढ़िया सी वीडियो के साथ, तब तक बाय।